हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो आज हम आपको नई वीडियो में चैप्टर 8 लेकर आए हैं, जिसमें दशमलव के बारे में आपको बताएंगे। इसके बारे में आप पहले से भी परिचित हैं कि दशमलव का, वैसे कोई भी यदि अगर इसको हम दशमलव कहते हैं, ये पॉइंट डाल दिया अगर इसकी डेफिनेशन ले, तो इसमें ना इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना ही इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन काफ़ी जगह पर इसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हम स्टेट रकम लिखते हैं ये, और यहाँ पर अगर पॉइंट रख के 1 लिख दिया, तो यहाँ पर 23.1 इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। लेकिन लेकिन जो है ये इसका भाग होता है, ठीक है, ये किसी पूर्ण संख्या का भाग होता है। दशमलव जो है वो किसी पूर्ण संख्या का भाग होता है। इसके लिए दो बातें हैं, एक दशमलव संख्या है उसको बिट में कन्वर्ट करना। अब जैसे मान लीजिए 0.4 है, इसको बिट में लिखना है, तो 4 और दशमलव की जगह पर 1 और उसके बाद में जो संख्या है वो 3 0, तो 4/10। और इसका यदि हम लघुत्तम रूप लिखे, सरलतम रूप लिखे, तो 2 से दोनों भाग हो सकते हैं, 2 × 4 और 2 × 5 = 10, इसका आंसर क्या होगा, 2/5, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसके बाद दशमलव के बाद में यदि एक संख्या है, इसको हम कहते हैं दशांश। क्या कहते हैं? दशांश। इसको किस प्रकार 1/10 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मान लीजिए यहां पर हो गया, तो ये दशमलव जो 7 है इसको सत्यांश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सत्यांश कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है प्रयोग किया जाएगा इस एक्सरसाइज के अंदर। जैसे आप सवाल करेंगे तो उसके बारे में आपको पता लगेगा। आप पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसमें जो टेबल टाइप में बनी हुई है, जैसे ईंटें लगाई हुई है, इस प्रकार से दी हुई है, और यदि हम दहाई का अंक इसमें लें तो सभी के अंदर 10-10 की वो लिखी हुई है। कितनी है? 10-10 की वो लिखी हुई है इसके अंदर। तो 10-10 की 3 है, तो कितना हो गया? 3। दहाई का अंक क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेबल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इस प्रकार से टेबल बना देंगे ऐसे करके, और यहाँ पर लिखेंगे सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश, दशांश, और उसके बाद में जो है अगर 100 वाला है तो सत्यांश लिखेंगे। लेकिन अभी आपके इसमें इस एक्सरसाइज के अंदर केवल दशांश का ही प्रयोग किया गया है। अब दहाई के अंक में कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर आपने 3 लिख दिया, सॉरी सैकड़े में नहीं है ना, 1 भी दहाई में 3 है। इकाई में अगर आप देखें ध्यान से पीछे, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, देखो 1 है, इकाई 1 ही दी हुई है ना, इकाई 1। और दशांश के अंदर कितना आ रहा है? यहाँ पर 2 आ रहा है, तो दशांश मतलब होता है 1/10, ये लिया हुआ। दहाई का मतलब है 10, इकाई का मतलब है 1, सैकड़े का मतलब है 100, और ये क्या होगा? 1/10। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये टेबल आपकी ऐसे आपकी। इसका सेकंड पार्ट यदि आपने देखना है तो वो भी आप देखिए, इसमें 100 दिया हुआ है, पहले उसमें 100 अलग है और 10 अलग है, तो कितने हो गए? 110। तो इसका मतलब दूसरी अगर आपने टेबल इसके अंदर लिखनी है तो यहाँ पर 110 हो गया, ठीक है। इकाई में क्या है? हो गया, दहाई में आ गया, सैकड़े में आ गया, सैकड़े में 100 आ गया तो 1 हो गया, दहाई में भी इस पे इसका आ गया और सैकड़े में भी। उसके बाद दशांश में कितने हैं? 4। कितने हैं? 4, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। इस प्रकार से आपने इसको लिखना है। दूसरे में इसको आपने टेबल के रूप में लिखना है, जो सारणी दी हुई है। अब जैसे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन सेकंड, ये है 19.4। अब 19 में दशांश कितना है? 4, ये 4 आ गया। इकाई का कितना है? 9। दहाई का कितना है? 1। तो ऐसे ही टेबल बनानी है और उसमें आपने इनको अलग अलग पार्ट करके लिखना है, ये आपको इस प्रकार से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है उसके अंदर कैसे करना है, उसमें जैसे दशमलव के रूप में लिखना है, क्या
क्या लिखना है, दशमलव के रूप में ये लिखा हुआ है सात दशांश। तो इसको दशांश मतलब क्या हो गया, बटे में दस, तो सात और एक बटा दस, इसको सात बटे दस लिखेंगे। अब इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर जीरो की जगह सात हो गया और जी दशमलव, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है इसे जैसे पूछा जाए कि दो दहाई और यहां पर बताया गया है नौ दशांश दिया हुआ है। अब दो दहाई इकाई का अंक नहीं है तो यहां पर दहाई में दस होता है, जमा में इकाई यहां पर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, और जमा में ये कितना है नौ और गुणा में एक बटा दस, तो यहां पर कितना हो गया ये 20 और ये 9, इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे क्या, 20 जमा में 0.9 और यहाँ पर क्या हो गया 20.9, ये इसका आंसर होता है। इस प्रकार से आपने लिखा है, ठीक है। अब इसी प्रकार इसको दशमलव के रूप में अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर दशमलव के रूप में लिखना है, ये 5/10 लिखना है, ये दिया हुआ है, इसको दशमलव के रूप में सिंपल से ये आपने पहले लिया हुआ है, जितने दशमलव की जो जीरो है उतना ही अंक काउंट करना है, फिर उसके बाद दशमलव लगानी है, ये आपको आगे, ठीक है। इसका अगला पार्ट जो है सी पार्ट, ये तो ए है, सी पार्ट इसमें दिया हुआ है 200 जमा में 60 जमा 5 जमा में 1/10, तो यहां पर ये इसमें देखो 260 और 5 265 हो गया, और इसको दशमलव एक के रूप में लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आपका हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 लेना है, 5 को न्यूनतम वर्ग उसमें लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप में लिखने के लिए सबसे पहले उसके डेसिमल रिमूव कर लेंगे। अब जैसे 0.6 है तो इसकी दशमलव हटाएंगे तो ये हो गया, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 ये इसका न्यूनतम रूप हो गया, ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में आगे जैसे इसका एफ पार्ट दिया हुआ है, एफ पार्ट में क्या दिया हुआ है 21.2, अब पहले डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल की प्लेस पर एक, डेसिमल की जगह पर एक, उसके बाद में राइट साइड में जितनी अंक है उतनी ही जीरो, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको कितने से 2 से भाग हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 0 = 0 नहीं जाएगा, और 2 × 6 = 12 और 2 × 5 = 10, 2 से भाग हो जाएगा और ये इसका आंसर, ठीक। इस प्रकार से इसको आपने करना है, तो ये आपके इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क के लिए है, यदि किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फ़ोन करके या अपने कमेंट में जाके आप उसके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को हैव ए नाइस डे एंड बाय।